हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ईशान, तो मैं जर्मनी में रहता हूँ और आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो गाइस, आज मेरे एग्ज़ाम्स का लास्ट दिन था और पूरा महीना पूरा स्ट्रेस में था, दिमाग की दही होगी पढ़ते पढ़ते। एक महीने से उससे एग्ज़ाम चल रहे हैं, लगभग डेढ़ हफ्ते एग्ज़ाम रहे, बट उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करनी होती है, बहुत सारे काम करने के रहते हैं, तो उस वजह से सारा कुछ करने में मैं लगा पड़ा था और पूरा महीना थोड़ा सा हैवी था ये। बट अभी आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो थोड़ा सा अब रिलैक्स हो गया। तो मेरा एक जर्मन दोस्त है, तो वो मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहा था, ये बोल रहा है यार तेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो तो बता, फिर मिलते हैं, आ जा घर पे आ जा, फिर उस हिसाब से कुछ करते हैं। मैंने कहा चल तो ठीक है। फिर मैंने उसको आज ही मैसेज किया, मैंने कहा भाई बता आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए कहाँ है तू। तो बोलता है ठीक है, तो मैं शाम को आता हूँ तुझे लेने के लिए और फिर चलते हैं कहीं। तो आई थिंक वो आ गया होगा बाहर, मैं उसको 10 मिनट से वेट करा रहा हूँ, क्योंकि मतलब मेरा हॉस्टल ये है और वो बाहर आ गया होगा मुझे पिक करने के लिए, मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ और उसको देखता हूँ कि क्या प्लान है आगे का। इट्स माय कन्वेंसो ए विगेट्स विगेट्स गुड हुई है दी गुड गुड। सो दोस्तों, मैं आ गया था, मार्कुस ने मुझे पिक कर लिया यहाँ से। हेलो। और उसके डैडी भी पीछे बैठे हैं। हेलो, गॉड ब्लेस यू। सो अभी हमारा कुछ प्लान है कि मार्कुस बोल रहा है कि हम कुछ स्विमिंग के लिए जाने वाले हैं और फिर कुछ टेनिस वेनिस के लिए। तो मैंने ना मतलब जब मैं आया तो लगभग 10-10 मिनट उन लोगों ने मेरे लिए वेट किया, क्योंकि मैं बाहर चला गया था और तब तक मार्कुस आ गया था मुझे लेने के लिए, और फिर लगभग 10 मिनट वेट किया और वेट करने के बाद फिर अब हम जा रहे हैं। तो मार्कुस से पूछते हैं मार्कुस का प्लान क्या है, क्योंकि मेरे को इसने कॉल करके बोला था कि हाँ भाई ये है, बाकी कभी ये पापा के साथ आया है तो क्या पता कुछ चेंज हुआ हो या नहीं हुआ, तो पूछ लेते हैं। सो मार्कुस, बस इस तुम सब प्लान होते हो। I will try in English. Okay. So our plan is we go and swim a little bit in the sea. Mm-hmm. Afterwards we're gonna play tennis. Mm-hmm. That's great, man. Yes. And then maybe watch a movie. It's gonna be nice. फिर हम साथ में चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो इसीलिए सारे साथ में जा रहे हैं। और अभी जाके हम यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लगभग 10 मिनट लगेंगे, और फिर वहाँ पे जाके हम पहले करेंगे स्विमिंग जैसे मार्कुस ने बताया, और फिर उसके बाद देखते हैं कि अगला क्या प्लान रहेगा, कितना टाइम हमारे पास बचेगा, उस टाइम के हिसाब से अपना करने वाले हैं। तो ये है गाइस प्लान, और चलते हैं साथ में और करते हैं एंजॉय। सो गाइस, हम लोग आ गए, यहाँ पे पहुँच गए और ये पीछे हमारे सी है, और अभी यहाँ से देखते हैं क्या कर सकते हैं नहाने वाने का हिसाब किताब। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, वुड यू हेल्प मी? तो लाइक कैन यू हेल्प इन स्विमिंग? दिस इज इट्स राइज इज जब काइंड ऑफ इट्स ओके एम बियर टू से व्हाट वी मेक नाउ नी इज फ्रॉग एट द एंड इज कैन इन स्विमिंग and cast me a help with my you can help on 97 at the fastest route one. Yeah. Naturally. Yeah. Maki. Yeah. So we came here because I like this sea, this water, mm-hmm. this place, because it's beautiful place, nature, beautiful water, very clean, and you can see the fish. You yes. can play badminton, yeah. tennis, yeah, yeah, and you can have restaurants or terrace. So beautiful, romantic restaurant. We can we go later to see and sport with on water or the
किया इन दिस पार्ट देसी स्विमिंग पूल में नहाने वाला हूँ आज मैं पहली बार जब से जर्मनी आया हूँ ना मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ नदी में नहाने के लिए पूरा नदी जैसी है Spot out. So guys, अभी नहाने के बाद हमें होगी थोड़ी शाम सी थोड़ा लेट हो गया तो हम जा रहे हैं ना ये टेनिस खेलने के लिए क्योंकि अभी हम सोच रहे थे थोड़ा और यहीं पे रुकते थोड़ा कुछ खाते पीते रेस्टोरेंट में या फिर कुछ और वेट करते पीछे यहीं पे बैठ के थोड़ा चिल करते बट थोड़ा शाम हो गई मतलब अभी आप देख रहे होंगे ना थोड़ा सा मतलब लाइट कम हो गई तो हम सोच रहे हैं थोड़ी देर जाके अब कुछ टेनिस वगैरह खेल लेते हैं। सो गाइस आ गया अपना ये टेनिस प्लेग्राउंड भी यहाँ से हमें सीधे इधर से तरफ जाना है ये सामने जो रेड कलर का फ्लोर दिख रहा है ना यहाँ पर हम खेलेंगे टेनिस इवन तो भाई मुझे इतना कुछ आता नहीं है खेलना वेलना बट जरूर है ट्राई करने में क्या जा रहा है ट्राई कर लेंगे। सो वी हैव टू पे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द टेनिस लाइक अगर हमें एक ग्राउंड यूज़ करना है अगर ग्राउंड में खेलना है तो उसके लिए पे करना होता है घंटे के हिसाब से। अब अपने मतलब टेनिस या रैकेट वगैरह सब आप खुद से लेके आते हो और तभी आप खेल सकते हैं परमिशन जैसे मिल जाती है कि इतनी देर के लिए खेल सकते हैं तो उसका चार्ज भी कम से कम कितना है 10 यूरो पर आवर 10 यूरो पर आवर यस 10 यूरो पर आवर या इट्स फॉर 1 आवर। सो तो भाई ये है हमारा टेनिस ग्राउंड हम करते हैं थोड़ी देर इसमें ही प्रैक्टिस खेलते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम मतलब उसके बाद टेनिस खेलने चले गए थे तो वहाँ पर टेनिस वेनिस खेला उसके बाद थोड़े थक गए थे फिर रेस्टोरेंट में कुछ खाया वाया और फिर थोड़ा सा ना भी जब टाइम हो गया बाकी हमारा प्लान था मूवी देखने का भी बट थोड़ा सा लेट होने की वजह से फिर माँ को मुझे बोलने लगा कि लेट्स गो टू होम एंड विल मेक इट नेक्स्ट टाइम बिकॉज इट्स टू लेट। सो इसलिए अभी हम जा रहे हैं घर और आई होप कि आपको ब्लॉग देख के मज़ा आया होगा और मेरा एक काफ़ी सही दिन था आज का क्योंकि एग्ज़ाम के बाद मैं बहुत मतलब चीज़ें हो रखी थी करने के लिए और स्ट्रेस सा था अभी थोड़ा सा ही हो गया तो इट वाज सुपर फन डे टुडे। सो बाकुस थैंक यू सो मच फॉर द डे एंड फ्लोरिन इट वाज वेरी नाइस या थैंक यू नाइस टेनिस मैच या ऑफ कोर्स इट वाज रियली नाइस ब्यूटीफुल डे या इट वाज नाइस डे सो फॉर मेकिंग दिस डे ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू And welcome. We will see each other I think next time after your vacations yeah yes yeah so guys abhi to meri aise exams khatam ho gaye to aapko aur bhi vlogs dekhne ke liye milte rahenge so you stay tuned and if you are new on my channel make sure you like share and subscribe to my channel and press the bell icon also so that you will get the all notification of my new videos and we'll see each other the next video. Bye bye. Bye. See you. Bye.